ये मामला गांव बुठाना की एक छात्रा है जो बीकॉम की पढ़ाई कर रही है। उसके साथ 2.5 लाख रुपए की ठगी हुई है अभी, जिसमें उसकी शिकायत पर हमने मामला दर्ज कर लिया है। उस ठगी में उसको प्रलोभन दिया जा रहा था सामने वाली पार्टी की तरफ से कि आप कोई चीज़ खरीद लिए, खरीदारी कर लीजिए, उसमें आपका कमीशन आएगा। और उसी के प्रलोभन में उस लड़की ने उन पे विश्वास करके उसको परचेज कर लिया। परचेज करने उपरांत तो उसका कोई कमीशन तो उसके पास नहीं आया, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ जुड़ जुड़ के 3-4 चीज़ों में उससे करीब 2.5 लाख रुपए उसके साथ फ्रॉड कर दिया गया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड के संबंध में हमने कंपेन भी चलाया हुआ है, जिसमें लोगों को हमने स्कूलों में और पब्लिक प्लेस पे जाके जागरूक भी किया है। और हमने लोगों को यही समझाया है कि किसी भी तरह के लालच में आके आप किसी अनजान व्यक्ति की बातों पे भरोसा ना करें। यदि वो आपको कहते हैं कि आप किसी चीज़ का नंबर भेज के और आपसे आपके मैसेज के द्वारा OTP मांगते हैं, और आपको कहते हैं कि भी आपके OTP के उपरांत आपके पास इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो सारी बातें बिल्कुल निराधार हैं, झूठी हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है कि आपके साथ धोखाधड़ी करके आपसे पैसा लेना चाहते हैं। तो मैं यही आम जनता को मैसेज देना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में आके अपना कोई पासवर्ड OTP अपना ना दें, शेयर ना करें। वो आपके साथ सिर्फ धोखाधड़ी के मकसद से ही ये काम करते हैं। ये मामला गांव बुटाना की एक छात्रा है जो BCom की पढ़ाई कर रही है। उसके साथ 2.5 लाख रुपए की ठगी हुई है अभी, जिसमें उसकी शिकायत पर हमने मामला दर्ज कर लिया है। उस ठगी में उसको प्रलोभन दिया जा रहा था सामने वाली पार्टी की तरफ से कि आप कोई चीज़ खरीद लिए, खरीदारी कर लीजिए, उसमें आपका कमीशन आएगा। और उसी के प्रलोभन में उस लड़की ने उन पे विश्वास करके उसको परचेज कर लिया। परचेज करने उपरांत तो उसका कोई कमीशन तो उसके पास नहीं आया, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ जुड़ जुड़ के 3-4 चीज़ों में उससे करीब 2.5 लाख रुपए उसके साथ फ्रॉड कर दिया गया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड के संबंध में हमने कंपेन भी चलाया हुआ है, जिसमें लोगों को हमने स्कूलों में और पब्लिक प्लेस पे जाके जागरूक भी किया है। और हमने लोगों को यही समझाया है कि किसी भी तरह के लालच में आके आप किसी अनजान व्यक्ति की बातों पे भरोसा ना करें। यदि वो आपको कहते हैं कि आप किसी चीज़ का नंबर भेज के और आपसे आपके मैसेज के द्वारा OTP मांगते हैं, और आपको कहते हैं कि भी आपके OTP के उपरांत आपके पास इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो सारी बातें बिल्कुल निराधार हैं, झूठी हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है कि आपके साथ धोखाधड़ी करके आपसे पैसा लेना चाहते हैं। तो मैं यही आम जनता को मैसेज देना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में आके अपना कोई पासवर्ड OTP अपना ना दें, शेयर ना करें। वो आपके साथ सिर्फ धोखाधड़ी के मकसद से ही ये काम करते हैं।